उसके बाद क्या है इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल है, प्रीवियस वीडियो के आगे का पार्ट है। तो इसमें क्या है, जो भी आपके फिजिकल प्रॉपर्टी अल्कोहल के उनके उनका बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी कैसे बताई गई है यहाँ पर वो है। सबसे पहले फर्स्ट इसमें क्या बॉइलिंग पॉइंट्स, अल्कोहल्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन हेलो एल्केन्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास बिकॉज अल्कोहल्स हैव इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्योंकि क्या है, जो अल्कोहल में इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है हेलो एल्केन तो उसका मॉलिक्यूलर मास कंपेयर में इसका ज़्यादा होता है। और उसके बाद क्या ऐसे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, जितने ज़्यादा कार्बन एटम इसमें बढ़ेंगे उतना ज़्यादा इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। उसके बाद क्या है, द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ ब्रांचिंग इन कार्बन चेन, कार्बन चेन की ब्रांचिंग अगर बढ़ रही है तो उससे बॉइलिंग पॉइंट इसका कम होगा। देन सेकेंड है सॉल्युबिलिटी, एल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर, एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, जितने ज़्यादा नंबर के कार्बन एटम बढ़ेंगे उतनी ज़्यादा इसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। उसके बाद क्या है, जो केमिकल प्रॉपर्टीज है अल्कोहल की वो क्या है, डिपेंड करती है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के अल्कोहल्स की। तो इसमें क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल इज ग्रेटर देन 2 डिग्री अल्कोहल ग्रेटर देन 3 डिग्री अल्कोहल। देन फर्स्ट क्या है, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ओ एच बॉन्ड रिएक्शन विथ मेटल्स। तो इसमें क्या हमने लिया 2R OH + 2Na, यहाँ पर क्या है 2R O Na + H2। तो इसमें क्या है, जो भी अल्कोहल की एसिडिटी है, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले क्या आएगा, प्राइमरी अल्कोहल्स ग्रेटर देन सेकेंडरी अल्कोहल ग्रेटर देन टर्शरी अल्कोहल। उसके बाद क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप डिक्रीजेस द पोलरिटी ऑफ OH बॉन्ड इज डिक्रीजेस द एसिड स्ट्रेंथ। एल्कोहल्स व्हेन रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड्स एसिड क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्रस फॉर्म ईस्टर्स। जो भी आपके अगर एल्कोहल से अगर वो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं या एसिड क्लोराइड्स के साथ या एसिड एनहाइड्राइड के साथ, तो वो ईस्टर को फॉर्म करते हैं और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ईस्टरफिकेशन। यहाँ पर देखिए RO O - H+ R-CO, तो C इसमें पॉजिटिव, OH या नेगेटिव H पॉजिटिव, R-COOR + H2O। तो इसमें क्या है, अल्कोहल जब भी हमारे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या एल्केन्स देते हैं, एल्केन्स देते हैं। यहाँ पर क्या है, R-O - H+ R-MgBr RH + Mg, तो यहाँ पर Mg के साथ क्या अटैच है, OR- और यहाँ पर Br वाला पूरा अटैच है। देन सेकेंड क्या है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन CO बॉन्ड। तो यहाँ क्या है, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड्स के साथ रिएक्ट करवाई है, ROH + HX गिव्स RX, यहाँ पर X क्या है हमारा, उससे हैलोजन ग्रुप से हम डिनोट करते हैं, +H2O। तो उसके जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। उसके बाद क्या है, जो भी हमारे डिहाइड्रेशन है इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटिक एसिड्स लाइक कंसनट्रेटेड H2SO4 और H3PO4 और इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज एनहाइड्रस ZnCl2 और Al2O3 दो के फॉर्म में जिंक क्लोराइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ये वाला है हमारा RH हो गया, यहाँ पर वाटर अलग हो गया। देन इसके बाद क्या है, C2H5OH गिव्स इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 एंड 443 केल्विन। तो यहाँ क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 आया +H2O। उसके बाद क्या है, CH3CHOH, तो ये वाला क्या हो जाएगा 2 डिग्री, ये आपका 1 डिग्री में हुआ है, ये 2 डिग्री और CH3। यहाँ क्या है, 85% H3PO4 इन द प्रेजेंस ऑफ 440 केल्विन। तो ये क्या, CH3CH double bond CH2 + H2O, वाटर इसमें अलग हो गया है और हमारा CH3CH double bond एक एच यहाँ से निकला और एक ही OH, तो ये हमारा वाटर यहाँ आ गया और CH2 वाला पूरा यहाँ पर हो गया है। उसके बाद क्या है, यहाँ पर CH3C CH3OH CH3, ये क्या 358 केल्विन में 20 डिग्री 20% H3PO4 और यहाँ CH3C double bond, यहाँ पर क्या है, यहाँ का H और एक OH अलग कर दिया हमने CH2CH3। तो ये क्या, ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। उसके बाद है मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन, ये डिहाइड्रेशन के मैकेनिज्म में पूरा CH3CH2O के यहाँ पर पूरे फ्री रेडिकल्स देन H, इसमें क्या फास्ट रिएक्शन होगी, ये हमने पूरा लिया है OH, ये वाला जो H पॉजिटिव है वो यहाँ जाएगा +H, तो यहाँ पर क्या होगी, स्लो प्रोसेस होगी -H2, तो एक हो गया प्रोटोनेटेड एल्कोहल होगा, ये वाला CH3CH2 और OH, यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, ये आपका इथीन फॉर्म करेगा,
एच पॉजिटिव। देन उसके बाद थर्ड क्या है, ऑक्सीडेशन। तो इसमें क्या है, आर सी एच टू ओ एच हमने लिया है, इसके ऑक्सीडेशन कराएंगे एसिडिफाई के एम एन ओ फोर। तो यहाँ पर क्या है, एल डी आई डी हमें मिला आर सी एच ओ और ओ के फॉर्म में, तो आर सी ओ ओ एच ये पूरा आ गया आर सी एच टू ओ एच इन द प्रेजेंस ऑफ सी आर ओ थ्री। तो आर सी एच ओ ये हमें क्या मिलेगा, एल डी हाइड, एल डी हाइड यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। देन सी क्या है, सी एच थ्री सी एच डबल वन सी एच सी एच टू ओ एच पी सी 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 एच थ्री सी एच डबल वन सी एच सी एच ओ। तो पी सी सी इसमें क्या है, पायरिडियम क्लोरोक्रोमेट इज़ अ बेटर रिएजेंट टू कन्वर्ट वन डिग्री एल्कोहल टू एल डी हाइड, एल्कोहल से एल डी हाइड में कन्वर्ट होगा। सो फ्रेंड्स, मेरा आज का वीडियो यहीं तक था। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।